आज के भयंकर मोटिवेशन के लिए। अच्छा ये सब भाई लोग इधर आओ, आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा, मैं सबके घर में तीन तीन नल लगा देने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक की बर्बादी के कारण टीम नवाब के बारे में। टीम नवाब का एक मेंबर आमिर सिद्दीकी, जिनके पंगे को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और कैरी मिनाटी ने उन्हें कितना धो धोकर मारा है ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो इस पंगे को तो हम साइड में हटाते हैं, अब बात करते हैं जो एक और पंगा नया सुर्खियों में चल रहा है। जी हाँ, टीम नवाब का एक और मेंबर फैजल सिद्दीकी, जो आमिर सिद्दीकी का ही भाई है। मतलब इस टीम नवाब ने तो सोच के रखी है कि टिकटॉक को जीने नहीं देंगे। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को, नहीं रे इन दोनों को उठा ले। तो उन्होंने एक नया पंगा सुर्खियों में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आप पंगा देखो, उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। एक तो पहले ही टिकटॉक की रेटिंग पर काले बादल मंडरा रहे थे, ऊपर से इन भाई ने ये कारनामा और कर दिया। मेरी तो समझ में नहीं आती, तुम सब लोग मिलकर टिकटॉक के हाथों के पीछे पड़ गए हो क्या? मैं पप्पू हूँ। और फिर तुम लोग कंटेंट की दुहाई देते हो सब लोग मिलके, ये है तुम्हारा कंटेंट? अबे इससे बढ़िया तो टिकटॉक की सनी लियोनी है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। फैजल सिद्दीकी के टिकटॉक पर 14 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जिनको करने में बहुत मेहनत लगती है और कोई हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, आपकी एक गलती आपको साला एक मच्छर आदमी को हिचड़ा बना देता है, बना सकती है। खैर मेरा आप सभी से एक सवाल है दोस्तों, फैजल सिद्दीकी ने जो वीडियो बनाया वो वीडियो किसी और का था, कंटेंट किसी और का था, साउंड किसी और का था, और उस वीडियो पर और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई, तो सिर्फ क्यों फैजल सिद्दीकी का अकाउंट बैन किया गया? सिर्फ क्यों उनके ऊपर एक्शन लिया गया? अगर टिकटॉक सच में कुछ करना चाहता है तो उन सभी का अकाउंट बैन करें। अगर आप मेरे सवाल से सहमत हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। और आज के इस मोटिवेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।